वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। पाठक साहब करके उन्होंने हमको 30 लाख की एफडी दी, फिर घरकुल मंजूर किया, फिर लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया, ये सारी चीजें हमको राहुल गांधी जी। महाराष्ट्र के विदर्भ की गरीब किसान कलावती एक बार फिर चर्चा में आ गई, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने उनका जिक्र किया। शाह ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन कलावती के घर खाना खाया था उनकी मदद राहुल ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन शाह के इन बड़े बड़े दावों पर अब उसी कलावती ने असलियत बताई है। कलावती और उनके बेटे ने साफ कह दिया कि उन्हें मदद बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मिली है। सबसे पहले तो आप सुनिए कि लोकसभा में अमित शाह ने कलावती को लेकर क्या कहा था, और फिर हम आपको सुनाएंगे कलावती और उनके बेटे का असली बयान। आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी, मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। लोकसभा में शाह के इस दावे के बाद हमारे सहयोगी चैनल आज तक महाराष्ट्र के यवतमल माल में रह रही कलावती के घर पहुंचे। उन्होंने कलावती से अमित शाह के दावे को लेकर सवाल किया, जिसमें कलावती और उनके बेटे ने बताया कैसे उनके परिवार की स्थिति को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुधारा है। आर्थिक मदद, बिजली पानी से लेकर हर मदद उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मिली। आप खुद सुनिए क्या बोले कलावती के बेटे प्रीतम। पाठक साहब करके उन्होंने हमको 30 लाख की एफडी दी, फिर घरकुल मंजूर किया, फिर लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया, ये सारी चीज़ें हमको राहुल गांधी जी ने दी। नहीं, ये बात सच नहीं है, जो कुछ मिला वो राहुल गांधी की मदद से ही मिला। सुना आपने कैसे कलावती के बेटे ने साफ कह दिया कि उन्हें उस वक्त जो भी मदद मिली है वो केवल राहुल गांधी की वजह से मिली थी, और कांग्रेस से मिली उस मदद में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आइए अब विस्तार से बात करते हैं कलावती के बारे में कि आखिर वो है कौन। सबसे पहले आपको बता दें कि कलावती यवतमाल के जालका गांव की रहने वाली है। ये क्षेत्र किसानों की आत्महत्या को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। कलावती के पति परशुराम ने कृषि संकट के कारण और कर्ज चुकाने के दबाव में 23 दिसंबर 2005 को आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद दामाद संजय कालस्कर ने भी दिसंबर 2010 में आत्महत्या कर ली। कलावती के दामाद संजय एक सीमांत किसान थे और एक ऑटो चालक थे। 2011 में चंद्रपुर जिले के वरोरा के पास राडेगांव में रहने वाली कलावती की दूसरी बेटी सविता ने भी आग लगाकर आत्महत्या कर ली। कलावती 8 बच्चों की माँ है और उनके 2 बच्चे पहले ही गुजर चुके हैं। बहरहाल आपको बता दें कि साल 2008 में राहुल गांधी ने कलावती के घर का दौरा किया था। दौरा करने के दौरान उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिली। राहुल ने 2008 में संसद में अविश्वास बहस के दौरान भी उनका उल्लेख किया था। इसके अलावा कलावती ने 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वानी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। वहीं पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कलावती ने नवंबर में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें वाशिम में उनकी रैली में लेकर गए थे। यानी कुल मिलाकर कलावती की इन बातों से साफ क्लियर हो गया कि शाह ने सदन में जो बयान देकर कहा है कि कलावती की मदद राहुल गांधी ने नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है, वो सरासर गलत है, क्योंकि कलावती के बेटे ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें जो भी मदद मिली है वो बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिली है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम।